इंडिया में डायबिटिक लोग भरे हुए हैं, उनको ये नहीं मालूम क्या क्लैरिटी क्या है अबाउट खाना। तो मैं सोचा आज खाने के बारे में 5 टिप्स दूँ, जो भी डायबिटिक पेशेंट हैं उनके लिए क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो पहला रूल देखिए, बहुत सारी चीज़ें आपने सुना होगा, ग्लाइसेमिक इंडेक्स चेक कर लो और कितना देर में वो खाना डिस्पर्स हो रहा है वो टेस्ट कर लो, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट सिंपल कार्बोहाइड्रेट। तो ये सब कन्फ्यूजन बहुत सारी है दिमाग में। एक रूल सिंपल सा रखिए, जो डायबिटिक लोगों को ऐसे तो ग्लूकोज चाहिए सबको, पर ग्लूकोज आता कहाँ से है? कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट दो तरह की होती है, एक सिंपल एक कॉम्प्लेक्स। उसका लिस्ट लेके बैठेंगे तो बहुत मुश्किल है, सिंपल नहीं खाना है कॉम्प्लेक्स खाना है तो लिस्ट लेके बैठेंगे तो मुश्किल है। तो मैंने एक बहुत सिंपल सी रूल लोगों को सिखाया है कि आप मुंह में कोई भी खाना डालो, अगर वो मीठा लग रहा है तो वो सिंपल है नहीं खाना है, और अगर मुंह में मीठा नहीं लग रहा है तो कॉम्प्लेक्स है आप खा सकते हो। तो कोई भी खाना जो आपके मुंह में मीठा ना लगे वो आप खा सकते हो, वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है और अदर देन कार्बोहाइड्रेट है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो टिप नंबर 1 हुआ, मुंह में आपका स्वाद देखो, जो चीज़ मीठा लग रहा है वो सब निकालते रहो, जो मीठा नहीं लग रहा है उतना वो ले सकते हो। नंबर 2 कि आपका खाने के अंदर कभी बहुत ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए, नो फास्ट नो फीस्ट, कभी ज़्यादा खा लिया कभी कम खा लिया ये भी नहीं होना चाहिए। कम से कम 4 बार में खाइए, एक बार सुबह ब्रेकफास्ट किया, एक लंच किया, मान लेते हैं ब्रेकफास्ट 9 बजे किया, दोपहर को लंच किया 2 बजे, शाम को अगर आप नाश्ता करना चाहते हो तो नाश्ता कर लो 4-5 बजे, और उसके बाद डिनर 9 बजे लो। अगर आप नाश्ता नहीं करते हो तो डिनर अर्ली भी ले सकते हो, और अर्ली मॉर्निंग में अगर आप थोड़ा भी आप अपना शुगर और शुगर की दवाई तो चालू रखोगे ही, अगर अर्ली मॉर्निंग में आपको लग रहा है शुगर डिप कर रहा है तो एक प्री ब्रेकफास्ट भी कुछ चाय बिस्किट लिया जा सकता है। नंबर 3 है, थोड़ा कंसेशन का बात है इसमें। आदमी बोलता है सर मीठा का क्रेविंग होता है, बस खाने की इच्छा होती है, तो मैं यूजुअली बोलता हूँ अगर मीठा खाना ही है, खाना खाने के बाद मटर दाने जितना गुड़ आप रखो उसको एक ले लो, तो उसमें 1 ग्राम आधा ग्राम जाती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा ग्लूकोज आपके बॉडी में बढ़ती नहीं है, तो इसलिए उतना समय अलाउ करता हूँ। 4th चीज़ मैं बोलता हूँ, देखिए जो फ्रूट्स हैं वो मीठा तो होता है पर उसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, तो इसको लो कैलोरी फ्रूट्स बोलते हैं। जो लो कैलोरी फ्रूट्स हैं वो आप खा सकते हो डायबिटीज़ में, जैसे हाई कैलोरी फूड है आम केला चीकू अंगूर ये मना करते हैं, पर लो कैलोरी फूड जैसे आप एप्पल है पपाया है गुआवा है या अनार है ये सब आप ले सकते हो, इनफैक्ट तरबूज खरबूज भी ले सकते हो, दो मीठा है पर उसमें कैलोरीज बहुत कम है कार्बोहाइड्रेट रियल में कम है तो आपके शुगर को ज़्यादा ऊंचा नहीं करेगा, तो ये ले सकते हो। 5th चीज़ है फाइबर डालना। याद रखिए फाइबर क्या करता है, ग्लूकोज की जो इनपुट है ब्लड में उसको स्लो डाउन कर देता है, तो फाइबर ज़्यादा लेना चाहिए। तो हर खाने में आपको अगर से 3 मेजर मील बोला है उसमें कम से कम 8 ग्राम फाइबर होना चाहिए। तो आप बोलेंगे सर फाइबर होता किस में, सलाद्स में बहुत फाइबर होता है, सब्जियों में होता है, तो सब्जी सलाद का मात्रा बढ़ाते जाइए, हर खाने में इतना सा सलाद सब्जी जानी चाहिए जिससे आपका शुगर बढ़े नहीं। तो ये 5 टिप्स आपके लिए है, याद रखिए, पहला जो चीज़ मुँह में मीठा लगे वो नहीं खा सकते, दूसरा आपके खाने में नो फास्ट नो फीस्ट का रूल रहेगा, इक्वल इंटरवल रखने का कोशिश करिए, शुगर चेक करते रहिए, तीसरा हो गया फ्रूट्स लो कैलोरी फ्रूट्स अलाउड है, 4th हो गया कि आप कभी कंसेशन लेना हो तो छोटा सा गुड़ का एक टुकड़ा ले सकते हो, और 5th हो गया हर खाने में फाइबर होना चाहिए। तो आज यहीं पर विदा लेते हैं आपसे, बट इस वीडियो को आप ज़रूर हर डायबिटिक पेशेंट्स को भेजिए, और जिनको भी डायबिटीज़ है उनको ये नॉलेज बहुत क्लियर होनी चाहिए, क्या खाएं क्या नहीं खाएं वो बहुत क्लियर है। तो मैं डॉक्टर बिमल छाजड़, आपको मालूम है हार्ट का ट्रीटमेंट करता हूँ और शौखिया में लोगों को एजुकेट भी करता हूँ हार्ट के बारे में हेल्थ के बारे में, हमारी हार्ट के वीडियोस ज़रूर लोगों को रेकमेंड करिए, और हमारी एक ज़ीरो ऑयल रेसिपी करके एक चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, आपको हर दिन नए नए रेसिपीज़ हम सप्लाई करेंगे, हज़ारों रेसिपी हमारे पास, उनको हम वीडियो बना बना के आपके साथ प्रेस कर रहे हैं, तो उसके मेंबर ज़रूर बन जाइएगा। थैंक यू।